वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। घर में जो भी सुख दुख के टाइम पे कह लीजिए, खुशी के टाइम पे कह लीजिए, सबसे पहला जो फोन आता है सर का और भाभी जी का हमेशा आता है। अरे शी इज वेरी सॉफ्ट ऑन द पॉइंट, तो अप्रूवल लेने वाला जो बात है अब वो नीलम मैम के थ्रू होके जा रहा है। जब से आपने इस कंपनी में अपना योगदान देना शुरू किया है तब से हमारी खुशियों में चार चांद लगे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने लगे हैं क्योंकि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें होना पॉसिबल हो गया। आप बताइए जी, सारे स्टाफ को ही बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं, उनका ध्यान रखती हैं,
एंड शी इज सो कमिटेड टू हर वर्क. शी इज एन एक्सीलेंट एग्जीक्यूटर एंड वो बहुत ही अच्छी कोच है. मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि आई थिंक गौरव भैया का बर्थडे था एंड आई वाज नॉट रेडी टू डांस. हम तो भैया नीलू बोलते हैं, नीलम हमें पता नहीं क्या है. नीलम तो हिमांशु जानते हैं, हम तो शुरू से ही नीलू जानते हैं. तो नीलू जी को जन्म के बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. मेरे से दी है 8 साल छोटी, बहुत छोटी थी जो मेरे मैंने इसे खिलाया गोल्ड. वो मेरे लिए तो बहुत ही मतलब. ये जो आज इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ ये किसने सिखाया है सर? नीलम मैम. वो सब चीजें आपने शुरू करी हैं और ऐसी मेरे को उम्मीद है आगे आने वाले सालों में और बहुत सारी चीजें इस कंपनी की बेटरमेंट के लिए आप करेंगी. थैंक यू वेरी मच. इनकी वजह से फैमिली स्टेबलाइज्ड है और इन्हीं की वजह से कंपनी में बहुत सारी चीजें अनहोनी से बची हुई है. Happiest birthday, Neelam Bhabhi. I love you and respect you from the core of my heart. Happy birthday, Neelam. बहुत बहुत शुभकामनाएं. वो एक इंग्लिश का वर्ड है, बहुत स्पिरिटेड लेडी है ये. बहुत स्पिरिटेड. आदित्य जान सकता है कि कैसे मम्मी की एक ही डांट में पूरी उसकी स्पिरिट बिल्कुल सीख लिया जाता है. चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे सुबह टाइम से उठे सो जाना हो. किस दिन कहता है मैं गाड़ी से जाऊंगा, अगर मम्मी के मन में आ गया नहीं तुम बस से जाओगे, तो उस दिन वो उसकी स्पिरिट से बस में बैठी दिखाई देती है. अहमदाबाद गए थे हम लोग तो सुबह को मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि भाई कैसे भाभी से कहूँगी आज सुबह फिर जल्दी से हो जाती है. और फोन केम एंड शी वॉज रेडी बिल्कुल एब्सोल्यूट फुल एनर्जी. वो डिपेंडेंसी और वो जिम्मेवारी भाभी के अंदर अब हो गई है और हम लोग सब लोग यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं कि भाभी कर रही है. तो मम्मी के बर्थडे पे मैं सब अपने स्टाफ से प्रॉमिस करता हूँ और अपोलोजाइज करता हूँ कि अब मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा अन्य से. बट जब से अलग हुए हैं मम्मी का इन्वॉल्वमेंट आया तो वो लव एंड केयर वो हम शो करना चाहते हैं बट हमें नहीं हो पाता. बाबा जी के संस्कार हैं जो आपके अंदर कुट कुट के भरे हुए हैं और वो ही मोहित मान है. बाहर से तो कहीं आने नहीं है. जो आपके यहाँ जैसे शो पे आते हैं जो आपका स्टाफ का जो प्यार मिलता है ना, लगता ही नहीं कि हम यहाँ किसी शो पे आए हैं. ये लगता है कि ये पारिवारिक माहौल है. ये आपका प्यार है सब स्टाफ के साथ. ये स्टाफ नहीं है, आपका परिवार है और परिवार की तरह आप इन्हें सबको रखते हैं. इनको भी लगता है कि हम परिवार है. सबसे पहले तो मैं सबको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. आप सभी ने मेरे स्पेशल डे को और भी खास बना दिया. मैं जानती हूँ कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं भी सबको बहुत पसंद करती हूँ. मतलब दुकान पे जब भी एंटर होते हैं ना तो बाहर से ही जो स्माइल प्यार मिलता है सब लोगों से, सब मतलब एक एक से, और मैं भी सबसे नजर मिला के सबका वो प्यार जहाँ लेती हूँ और देती भी हूँ. और मुझे पता है कि सभी लोग मेरे साथ खड़े रहते हैं. कुछ भी एक भी इशारा करते हैं ना तो सब तैयार हो जाते हैं. कोई भी मना नहीं करता किसी भी काम को. थैंक यू वेरी मच.